प्रीवियस क्लास हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ वार देखें, थोड़ा सा रिस्टार्ट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। वार डॉन, वार इज सेड टू बी डॉन बाय ए फोर्स इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड आपकी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूं स्टेटमेंट, है ना। व्हेन यू से वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन लाइक दिस। अच्छा, पॉइंट नंबर टू, वर्क डॉन बाय ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, चाहे तो आप, और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस देयर वेक्टर्स, और इट कैन बी रिटन एज एफ इंटू डी, चलो मानते हैं इसे कहेंगे। व्हाट इज डी, इट इज डिस्प्लेसमेंट इन डिरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो एफ एस कॉस थीटा को या एफ डी को। एफ डी में डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डिरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स। तीसरा हुआ, यूनिट इज न्यूटन मीटर विच इज कॉल्ड जूल्स, और डाइम्स इंटू सेंटीमीटर विच इज कॉल्ड ऑर्ग। प्रूव दैट वन जूल इज इक्वल टू 10^7 ऑर्ग, ऐसे करके आएगा। हम लिख सकते हैं वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू वन, न्यूटन के जगह लिख सकते हैं 10^5 डाइम्स, इंटू मीटर के जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, सो इट इज 10^7 डाइम्स सेंटीमीटर, विच यू कॉल एज 10^7 और वन मार्क वाला क्वेश्चन से जाए। समझे, फिर क्या देखिए, वर्क क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। और यहां पर हम देख चुके हैं कि व्हेन एज 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 एफ W is F S cos theta, when displacement is perpendicular to force, W is equal to 0, force को perpendicular होगा displacement तो order होगा 0। और क्या देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टोटल वर्क डन बिफोर दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अगर ये आया पॉजिटिव, इसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय एफ, और ये अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब हुआ वर्क इज डन अगेंस्ट एफ। क्या बातें समझ में आ रहा है,
कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है समझ में आया? ठीक है, पॉइंट नंबर सेवन में हम लोग देखे टोटल वर्ड ऑन ए बॉडी इज ऑर्डिनरी सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक ब्लॉक को आप खींचते हुए ले रहे हो भाई, अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ से 30 न्यूटन एंड ए फोर्स ऑफ से 20 न्यूटन, ये टेढ़ा फोर्स कितना टेढ़ा है, से दिस टेढ़ा फोर्स इज समथिंग मेकिंग एंगल 60 डिग्री। और चलो मानते हैं कि यहाँ पर इसका कोई एक वेट है जिसको आप कहोगे 4 kg मास है, तो इसका एक वेट होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट कितना होगा 4g। ये सारा फोर्सेस के चलते सपोज द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ओवर ए डिस्टेंस समथिंग लाइक 10 meters, है ना। मैं क्यों टोटल वर्क डन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिलहाल टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये सारा फोर्स क्या क्या वर्क करे निकालो और जोड़ दो। तो हम कहेंगे ये जो 4g है, ये 4g ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, क्या बता सकते हो वार्डन बाई 4g कितना होगा? 4g इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, एंगल इज 90 डिग्री, 0। वार्डन बाई नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो 0। तो हम क्या कहेंगे एग्जाम्पल में, वार्डन बाई 4g एंड r इज 0, बिकॉज फॉर बोथ ऑफ दिस केसेस थीटा इज 90 डिग्री। वर्डन, चलो और भी एक फोर्स में यहाँ पे जोड़ देता हूं, जब ये कोई ढकेल के लेने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा है जो इसको रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, कैसे भाई? अप्लाइंग ए 5 न्यूटन फोर्स सपोज, तो आप कहोगे वर्डन बाय 30 न्यूटन कितना हो जाएगा, 30 इंटू कितना दूर गया है 10 मीटर, क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 300 जूल्स। समझ में आया? वर्डन बाय 30 न्यूटन इज 300 जूल्स। हम क्यों निकाल रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। वर्डन बाय 20 न्यूटन क्या लिखेंगे, 20 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल है 60 डिग्री, सो कॉस 60, तो ये हो गया 100 जूल्स, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, वर्क डन बाय 5 न्यूटन, पहले फिगर देख के बताओ वर्क इज डन बाय 5 न्यूटन और अगेंस्ट 5 न्यूटन, अगेंस्ट हुआ, लेकिन हमें बाय निकालना है, कितना होगा, हम कहेंगे 5 इंटू 10 इंटू कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है -1, सो इट इज -50 जूल्स। तो समहाउ वी कुड फाइंड आउट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या क्या फोर्स था, 30 न्यूटन 5 न्यूटन 20 न्यूटन आर 4g इन ऑल दैट, सबके लिए वर्क निकाल दिए। नाउ टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, सारे को जोड़ो, इन दोनों का तो 0 था, इसका हो गया 300 प्लस ऑर्डिनरी सम 100 माइनस 50, तो कितना हो गया 350 जूल्स। समझ में आया क्या? तो टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज 350 जूल्स।
क्या मेरी बात समझ में आया? है ना, टोटल वर्क डन बाय ऑल प्रोसेस ऑन द बॉडी इज 350 जूल्स. फाइन, टोटल वर्क डन इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द बॉडी. फिर क्या देखिए हम लोग, फॉर ए कॉन्स्टेंट फोर्स, फॉर ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन और टिल्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. समझ में आया क्या? है ना, तो कौन से रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. आप अगर कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा के यहां से यहां तक लोगे, मान लो कि हमको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको खींच रहा है, खींचने की दो रास्ते, मान लो कि दिस इज व्हाट इज ए बिड व्हिच कैन मूव इन ए पाथ लाइक दिस, खींचे तो ये बिड जो है इस रास्ते में चलने लगा, क्योंकि खींच रहा है तो ये बिड जो है इस रास्ते में चलने लगेगा, ऐसे 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 करके चलने लगेगा. या फिर आप इसको खींचते वक्त कुछ ऐसे रास्ते में खींच रहे हो, कोई भी रास्ता फॉलो करो, अगर आपका फोर्स कॉन्स्टेंट है और यहां से यहां तक गया तो डिस्प्लेसमेंट भी तो कॉन्स्टेंट ही हुआ. अगर डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट हुआ तो वार्डन इज सेम, आइदर यू पुल इट इन दिस पाथ और इन दिस पाथ, वार्डन इज सेम. समझ में आ रहा है? कौन से पाथ में गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कब? व्हेन द फोर्स इज कॉन्स्टेंट. बाद में पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट नहीं, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि तुम लोगों का है नहीं अभी, तो मैं थोड़ी देर में उसको बताऊंगा कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है. फिलहाल तो तुम्हारे कोर्स में सिर्फ कॉन्स्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट फोर्स की कहानी बता रहे हैं. कॉन्स्टेंट फोर्स की सिम्टम्स को हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि कॉन्स्टेंट फोर्स कोई बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले, कोई भी रास्ते में ले ले, वर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. पॉइंट नंबर 9, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में आज की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे. ऑन ए रिजिड बॉडी, अच्छा हम लोग और भी देखे थे कि कोई बॉडी को वर्क करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरत है कि इंटरनल फोर्स भी वर्क कर सकता है. इंटरनल फोर्स ऑल्सो कैन डू वर्क ऑन ए बॉडी. सो इंटरनल फोर्स कैन ऑल्सो डू वर्क ऑन ए बॉडी. However, for rigid bodies, total work done by internal forces over any displacement is zero. इंटरनल फोर्स के चलते ओवर एनी डिस्प्लेसमेंट वार्डन जीरो होता है. व्हाई? बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस अकर इन पेयर्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. अगर कोई रिजिड बॉडी है और इसमें मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये जितना फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स दे रहा है, आप जानते हो, और मान लो कि ये फिक्स है, रिजिड बॉडी है, दे कैन नॉट मूव. नाउ व्हेन यू मूव दिस बॉडी फ्रॉम दिस पोजिशन टू एनी अदर पोजिशन, तो आप देखोगे वॉट एवर विल बी द वार्डन बाय दिस फोर्स सेम विल बी द वार्डन अगेंस्ट दिस फोर्स. बाय दिस फोर्स पॉजिटिव वर्क होगा तो अगेंस्ट दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स नेगेटिव वर्क होगा, दोनों को जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा. है ना, तो अगर ये डिस्टेंस फिक्स्ड है फॉर रिजिड बॉडी नहीं है तो इंटरनल फोर्स ऑल्सो कैन डू वर्क, बट रिजिड बॉडी है तो वार्डन बाय इंटरनल फोर्सेस विल बी जीरो. समझ में आया?
ये सारा पॉइंट्स हम लोग देखें, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, सपोज हम कहेंगे कोई बुलेट को, किसी बॉल को हम किसी छत से फेंक दिए, एक बॉल को ऐसे फेंका गया और वो ग्राउंड पे गिरा, एक बॉल को ऐसा फेंके तो ग्राउंड पे गिरा, दूसरे बॉल को हमने सिमिलर बॉल को हमने ऐसे फेंका, तो ये क्या हुआ, ये कुछ गया ऐसे और ऐसे आके ऐसे गिरा। सपोज नाउ ए एंड बी आर टू डिफरेंट बॉल्स, सिमिलर बॉल्स, ए एंड बी आर टू सिमिलर बॉल्स, एज दे फॉल ऑन टू ग्राउंड, दे फॉल ऑन टू ग्राउंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर ऑन व्हिच बॉल, कौन सा बॉल का वर्क डन बाय ग्रेविटी ज्यादा होगा। एक बॉल को सीधा फेंके ऐसे गिरा है, दूसरा को ऐसे फेंके ऊपर जाके ऐसे गिरा है, दोनों सिमिलर बॉल है, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, एमजी, दूसरे का उसका भी एमजी, डायरेक्शन भी बराबर था, मैग्नीट्यूड भी बराबर था। अच्छा यहां से फेंके, एक यहां गिरा एक यहां गिरा, बी गिरा यहां पे, ए गिरा यहां पे, हमें पता करना है कि वार्डन बाय ग्रेविटी, एक एक केस में वार्डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एफ इंटू डी, डी क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब वो यहां से यहां पर आया फोर्स कैसे था भैया, फोर्स तो नीचे की तरफ था, तो इस डायरेक्शन में कितना गया ये, और ये भी ऐसे जाके इधर गिरा, इस डायरेक्शन में कितना गया ये, तो दोनों के केस में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, फोर्स इज ऑल्सो सेम, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन ईच ऑफ द टू केसेस, इन ऑफ द टू केसेस द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, सो सेम वर्क इज डन, क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, कंसेप्ट को पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो, क्वेश्चन नंबर टू, मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट, यू नो एक्सपीरियंसेस मर्क्यूरी रोटेट्स और रिवॉल्व्स अराउंड सन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन on Mercury is F, find work done by F over half revolution, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। चलिए मानते हैं विंटर कितना सुहाना मौसम होता है,
लेकिन इसमें खांसी लेके आता है, ये बड़ा गंदा चीज है, भगवान को बताना चाहिए। विंटर तो जो खांसी नहीं, मरकरी घूम रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो एफ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सॉल इज टुवर्ड्स द सन, यू नो इट इज पुलिंग मरकरी, मरकरी मूव कर रहा है। बोल रहा है जब तक हाफ रिवोल्यूशन करेगा, क्या दिया है इसका रेडियस दिया है आर, रेडियस दिया है आर, जब तक ये हाफ रिवोल्यूशन करेगा कितना होगा वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो आप कहोगे हाफ रिवोल्यूशन करेगा रेडियस अगर आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, तो एफ इनटू 2r होना चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो यहां पे, जब वो मरकरी यहां से यहां तक जाएगा छोटा सा डिस्टेंस कुछ वर्क होगा, फिर यहां से यहां तक कुछ वर्क होगा, फिर यहां से यहां तक कुछ वर्क होगा, सारे को जोड़ देंगे। सो ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट what you find the force and the displacement are mutually perpendicular. So जब तक मरकरी यहां से यहां पर जाएगा what is the work done by force? Zero. Fs cos 90. समझ में आ रहा है? So क्या लिखेंगे solution में? Over any small displacement over any small displacement the force is perpendicular to displacement, so work done is zero। ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा, लेकिन ये तो नहीं है कि जीरो प्लस जीरो करो टू जीरो हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, जीरो प्लस जीरो भी तो जीरो होता है। तो कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में अगर वर्क जीरो हुआ तो टोटल वर्क डन कितना होगा? जीरो। सो द टोटल वर्क डन विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा जाके लिखना पड़ता है, जगह नहीं होता। यस 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 यस, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो जीरो, टोटल वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। समझ में आया क्या? टोटल वर्क डन इज जीरो, क्या बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट A, B, C, D. When a body was moved from A to B, B to C, C to D and D to A. क्या दिया है डाटा? डाटा दिया है When a body was moved from A to A through path A B C D A, it was found that work done by gravity in moving from A to B is minus 60 joules, B to C is 30 joules, C to D is 110 joules. Find work done by gravity in moving from D to A. क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया? Could I explain you the question first? क्वेश्चन समझ में आया तो काम बन जाएगा। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? ये देखा कितना जल्दी बोल रहा है वो। Very good. Yes.
पूछा है डी टू ए जाने में वार्डन बाई ग्रेविटी क्या होगा। अच्छा पूरा घूम फिर के ए में आने में टोटल वार्डन क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से गया वहीं वापस आ गया, नहीं जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कॉन्स्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स के चलते एक बार घूम गएंगे तो जीरो होगा, मतलब ए वर्क प्लस ए वर्क प्लस ए वर्क प्लस ए वर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट, बाद में पढ़ेंगे ये कॉन्स्टेंट नहीं कंजर्वेटिव है, क्या कंजर्वेटिव बताएंगे, लेकिन अभी बच्चों वाली फिजिक्स चल रहा है तुम लोगों का, है ना। कॉन्स्टेंट आप कहोगे डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? ये जीरो है, वही क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड टोटल वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस सॉरी एफ एस कॉस थीटा, नहीं ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी। डी क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन जहां गया था वही तो वापस आ गया है कि नहीं। तो ये सारा चीज आपको दिया गया है, डब्ल्यू ए बी दिया है माइनस 60, फिर दिया है माइनस 30 प्लस 30, फिर दिया 110 माइनस 60 प्लस 30 प्लस 110 प्लस डब्ल्यू डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू डी ए कितना हो गया भैया, माइनस 30 गया तो हो गया माइनस 90 जूल्स। तो डी टू ए जाने में क्या माइनस 80 आ रहा है, देखें क्या हो गया, हाँ 30 110, यस 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 30 गया तो माइनस 80 जूल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए तो इसका मतलब कंसेप्ट आप लोगों को पकड़ में आ गया। यस बेटा बताओ क्वेश्चन और एक बार का ठीक। कोई एक ब्लॉक को ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए लाया, ए टू बी जाने में वार्डन बाई ग्रेविटी था माइनस 60 जूल, बी टू सी आने में प्लस 30 जूल, सी टू डी आने में 110 जूल, बताओ डी टू ए जाने में कितना वर्क होगा। जहां से निकले वहीं वापस आए तो वार्डन कितना हो जाएगा, जीरो, इससे कॉन्स्टेंट फोर्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए ये सारा चीज हमें समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नौ पॉइंट देख चुके थे, नोट पॉइंट नंबर 10। नोट पॉइंट नंबर 10 क्या है? नोट पॉइंट नंबर 10 ये है, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम्हारा बुक का स्टेटमेंट मुझे मालूम नहीं है, बट यू नो वो लोग साइंटिफिकली कुछ टेक्निकली कुछ टर्म्स को मिस कर जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मालूम रहता है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब यू एश्यूम इट टू बी ए रिजिड बॉडी, वो लिखते नहीं है, रिजिड बॉडी होने से ही ये स्टेटमेंट आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर ए रिजिड बॉडी टोटल वर्डन ऑन द बॉडी बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। शायद आपको काइनेटिक एनर्जी क्या है मालूम है, हाफ एम स्क्वायर, नहीं गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल वर्डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
अगर ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट से रिजिड बॉडी वाला स्टेटमेंट पार्ट को भी निकाल दूंगा, खाली रिजिड को निकाल दूंगा फॉर ए बॉडी, मतलब रिजिड भी हो सकता है फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, तो इन दैट केस स्टेटमेंट बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। रिजिड बॉडी है तो हम जानते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, जीरो, बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है, तो एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जितना होगा दूसरे का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, है कि नहीं? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज जीरो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। तो अगर ये रिजिड बॉडी नहीं होगा तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस दोनों लिखना पड़ेगा। तुम्हारा बुक में ना एक्सटर्नल लिखता है ना इंटरनल लिखता है, अस्यूम कर लेते हैं कोई फोर्स आ रहा है मतलब एक्सटर्नल ही होगा, रिजिड बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी वो सबको कंसिडर नहीं करते। तो ये हो गया सही स्टेटमेंट, समझ में आया सबको, और इसका प्रूफ भी आता है, चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब इस ब्लॉक कोई एक वेलोसिटी वी वन में जा रहा था, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, अब क्या हुआ इस फोर्स के चलते ये बॉडी मूव करने लगा, और जब वो आके कुछ यहां पे पहुंच गया तब तक उसका उसका वेलोसिटी क्या हो गया था, ये यहां पर आ गया था, नाउ द वेलोसिटी हैज चेंज्ड टू ए न्यू वैल्यू वी टू, एक नया वैल्यू में आ गया वी टू, क्या समझ में आ रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, नहीं? तो स्पीड अगर बदल गया है तो काइनेटिक एनर्जी बदल गया है, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था हाफ एम बी वन स्क्वायर, अब क्या है हाफ एम बी टू स्क्वायर, है कि नहीं? जब हम लोग ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, ये हर एक वार्डिंग का इंपोर्टेंस को समझना बेटा, एक तो हुआ रिजिड बॉडी होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, एंड यहां पर और एक छोटा सा चीज लिखा है बाय, वार्डन बाय ऑल फोर्सेस, वार्डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम कोई बॉडी को मूव करवा रहे थे सारे फोर्सेस के चलते कितना वर्क निकाले थे, कुछ बाय सम फोर्सेस इट वाज पॉजिटिव, बाय सम फोर्सेस इट वाज नेगेटिव, सबको जोड़ दिए टोटल वर्क मिला था, वैसे ही टोटल वर्क निकालना है, दैट टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है क्या? यस यस। अब क्या हुआ, हुआ यूं है बात कि अब हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी था वी वन, फाइनल वेलोसिटी था वी टू, एक्सीलरेशन था फोर्स पाई एम, डिस्प्लेसमेंट था एस, एंड आई नो ए रिलेशन बिटवीन देम, आई कैन से वी टू स्क्वायर माइनस 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 वी वन स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस वाला फॉर्मूला जानते हो, नहीं भी जानते हो तो लिख दो, वी नो दैट, किसी को थोड़ी मालूम है तुमको आता है कि नहीं आता है, नहीं, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू ए एस, तुम्हारा स्कूल में ये डेरिवेशन आता है, ठीक है भाई, अगर ये बात हुआ नाउ आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, वी टू स्क्वायर को वी टू स्क्वायर रहने दीजिए, ए के जगह लिखिए 2f by m into s, क्या बात समझ में आया, अब ये m को इधर ले आओ 2 को डिवाइड कर दो, क्या बनेगा हाफ m v2 का स्क्वायर हाफ m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू fs, m को ले आए तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 को ले आए तो डिवाइड हो गया, व्हाट इज दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, सो जितना वर्क होगा उतना ही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ, और टू बी मोर एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ, समझ में आया,
इसको कहते हैं वार्क एनर्जी थ्योरम। तो कोई बॉडी के ऊपर जब कुछ वार्क किया जाता है, द वार्डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले भी न्यूटन्स लॉ पढ़ते वक्त तुम लोग पढ़े होगे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपन मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम इट डज नॉट डिपेंड अपन मास एंड वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम, एफ इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एफ क्या हो गया, आपको पता चल गया कि न्यूटन्स लॉ से एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम। मास क्या है, वेलोसिटी क्या था, उससे कोई मतलब नहीं। व्हाट फोर्स इज एक्टिंग एंड हाउ लॉन्ग इट इज एक्टिंग डिसाइड्स द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया क्या, अगर हम कोई एक बॉल को यहां से कुछ वेलोसिटी में फेंकते हैं, से 20 मीटर पर सेकंड में, और मान लो कि 60 डिग्री एंगल में फेंके, ये बॉल ऐसे गया ऐसे आया, मान लो कि बॉल का मास है 3 kg। जब वो बॉल आके यहां पर पहुंचा, कब पहुंचा, चलो मानते हैं कि 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड ये बॉल कुछ यहां पर पहुंचा होगा। ये 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, जानने के लिए आपको यहां का मोमेंटम मालूम है, यहां का मोमेंटम निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, दे आर वेक्टर्स, डोंट वरी। आपको देखो कि यहां से जब यहां तक गया तो रास्ते में क्या फोर्स था, द ओनली फोर्स वॉज एमजी, देयर वॉज नो अदर फोर्स, एंड दैट फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन इट फॉर हाउ मच टाइम, 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, 30 × 1, 30 kg मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी में फेंके थे उसे कोई मतलब है नहीं। समझ में आ रहा क्या, तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग। चाहे तो आप इसको भी आप देख सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज में, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक मास है, ये कुछ भी वन वेलोसिटी में जा रहा था, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और टी सेकेंड के लिए लगाया, पता चला इसका वेलोसिटी बन गया v2। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, टाइम लगा टी, एक्सीलरेशन था फोर्स बाई मास, आप जानते हो कि v = u + at और v - u = at और v के जगह v2 एक, u के जगह v1 = f/m(t). तो क्या मिला, m को इधर ले आओ, mv2 - mv1 = f(t). सो जो mv2 - mv1 ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम कितना है, फोर्स इनटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इस बॉडी का, वो f(t) के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में चेंज इन मोमेंटम जब निकाले, फाइनली इसमें देखो ना m है ना v है, ये तो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देवांश कल कुछ डाउट उठ पूछ लिया था इसी रिलेटेड, बेचारा देख रहा है तो समझा दिए। समझ में आया क्या, चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड टाइम, नॉट ऑन मास एंड वेलोसिटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है, कोई 2 kg का मास 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मीटर तक ढकेल लिया, वह कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, 20 न्यूटन 5 मीटर 100 जूल्स, खत्म। ये 2 केजी का हो, 5 केजी का हो, 25 केजी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो फाइनल एक्सप्रेशन में जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले उसमें खाली एफ और एस है कि नहीं। तो ये याद रखना, तो ये याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड टाइम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बात, समझ में आ रहा है।
अगर कोई बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा तो ज्यादा समय के लिए फोर्स आएगा तो उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। नहीं सोचते थोड़ा थोड़ा सोचते। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मास m है और इसको ऐसे दूसरे ब्लॉक के साथ लगा दिए बाई एस पी, मास 2m है। मैं क्या करता हूं, ये दोनों ब्लॉक को पास ले आया फिर छोड़ दिया तो गए ये दूर गए, है ना दूर गए। कुछ समय के बाद टी सेकेंड के बाद किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, m का कि 2m का? हूज मोमेंटम विल बी मोर आफ्टर 3 seconds? सोचने वाली चीज है। जब आप इसको दबाए और छोड़ने से जस्ट पहले मोमेंटम क्या था, जीरो। नहीं, और आप जानते हो कि बाय फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम रेफर्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पर इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वही होगा चेंज इन मोमेंटम। तो किसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा है, जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। चेंज इन मोमेंटम फोर्स और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम स्प्रिंग को दबाए और स्प्रिंग दोनों को ढकेल रहा था, मान लो कि कोई स्प्रिंग को मैं दोनों हाथ से दबाने की कोशिश करूंगा, क्या वो स्प्रिंग मेरे दोनों हाथ पे बराबर फोर्स नहीं लगाएगा? यस, बराबर फोर्स लगाएगा। मतलब जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा था उतना ही फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, जितनी समय के लिए इसके ऊपर लग रहा था उतनी समय के लिए इसके ऊपर भी लग रहा था। सेम फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ देम फॉर सेम टाइम, सो बोथ ऑफ देम विल अंडरगो इक्वल चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है क्या? बोथ विल अंडरगो इक्वल चेंज इन मोमेंटम। तो इसको अगर दबा के छोड़ देंगे किसी भी समय के बाद, अब देखोगे दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है। बी केयरफुल व्हेन आई से इक्वल चेंज इन मोमेंटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा था तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा था। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। दे विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। अगर हम वेक्टोरियली कहेंगे तो, मैग्नीट्यूड कहेंगे तो, दोनों का चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर क्योंकि फोर्सेस आर अपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात है, ठीक है। टॉपिक ये नहीं था तो हमें ये बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हुआ। सिमिलरली जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मास कौन सा वेलोसिटी उससे कोई मतलब ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन देता हूं। नाउ सपोज आई वांट टू पुश टू ब्लॉक्स फ्रॉम हियर टू द वॉल। वन ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg and other block is of mass 10 kg. मैं दोनों के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। Both of them will go and strike the wall. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। If both the blocks are pushed to the wall, which one will strike the wall with greater, option A momentum, option B kinetic energy, कौन सा ज्यादा मोमेंटम में मारेगा, कौन सा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? दोनों को ढकेल के लेंगे तो जाके मारेगा कि नहीं वाल को? कौन ज्यादा मोमेंटम में मारेगा, कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। You know, initial momentum is zero for both. तो आपको जो change in momentum, जिसको आप कहते हो final momentum minus initial momentum, that is same as final momentum.
है कि नहीं? तो किसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। लेकिन हमें ये भी तो मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम मास के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, तो इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हाँ, दोनों के ऊपर तो बराबर फोर्स आ रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स। बात समझ में आ रहा है? किसके ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आएगा? देखो तो कौन जल्दी भागेगा? छोटा मास है ना, सर्र करके निकल जाएगा। ये बड़ा मास है, धीरे धीरे हौले हौले जाएगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कम होगा। सो ऑन 10 kg फोर्स एक्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, बट ऑन 4 kg इट एक्ट्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। तो किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, 10 kg का कि 4 kg का? अबे 4 kg जल्दी पहुंच गया, टाइम लगा कम। 10 kg का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, उसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 50 न्यूटन फोर्स 4 kg के ऊपर भी आया, 10 kg के ऊपर भी आया। 4 kg मास छोटा होने के कारण ज्यादा एक्सीलरेशन हुआ, जल्दी से भाग गया। ये ज्यादा मास होने के कारण कम एक्सीलरेशन हुआ, समय लगा इसे यहां तक जाने के लिए। फिगर में दिख रहा है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इसका एक्सीलरेशन कम है तो इसको ज्यादा समय लगेगा। तो क्या लिखेंगे? एज 10 kg टेक्स मोर टाइम टू रीच द वॉल, डेल्टा पी फॉर 10 kg इज मोर। क्या बात समझ में आया? फिर पूछा है कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा, कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा। ये था बीट ए का आंसर, बीट डी। यू नो दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था, इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इट इज सेम एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनली कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में मारेगा? जिसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगेन हमें मालूम है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों केस में फोर्स बराबर है? हाँ है। क्या दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है? हाँ है। तो दोनों बराबर काइनेटिक एनर्जी में मारेंगे, दे विल स्ट्राइक द वॉल विद सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मोमेंटम अलग अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है। समझ में? So, both strike wall, both strike wall with same kinetic energy. क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? Is it understood? हाँ, दोनों बराबर काइनेटिक एनर्जी में पहुंचेंगे। क्या हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए ये कोई एक स्मूथ प्लेन है, ये कोई एक 3 kg का ब्लॉक है, ये 3 meter है, ये 4 meter है, ऑब्वियसली ये 5 meter है। वैसे ये 3 kg का ब्लॉक को हम छोड़ देंगे तो खुद ही फिसल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को चलो मानते हैं कि ये यहां रख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का क्यों ले लेंगे, कोई दूसरा ले लेते हैं कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। 6 kg का ब्लॉक है, मैंने इसको कोई एक फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, से 100 newton का फोर्स लगाया। तो ये चढ़ेगा ऊपर, चढ़ेगा ही नहीं? चढ़ेगा, 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 चढ़ेगा। जब आके वो यहां पे पहुंच जाएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा। पूछा है
What will be the kinetic energy here? The block was pushed from A to B. What is the kinetic energy of the block at point B? The block was pushed from A to B on the smooth plane. Find kinetic energy of block. काइनेटिक एनर्जी था क्या, चलना शुरू किया यहां से जीरो था, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में मैं कहता हूं देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्या पूछा है मुझे, मुझे पूछा है बताओ फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ए पे जो काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो है, बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? नहीं, लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक फिर इट इज बीन पुश्ड बाय ए 100 न्यूटन फोर्स। जब 100 न्यूटन फोर्स धकेल के उसको इधर ले रहा था क्या क्या फोर्सेस आ रहे थे? ऑब्वियसली देयर वाज ए वेट एक्टिंग लाइक दिस डाउनवर्ड एंड देयर मस्ट बी ए रिएक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन। नहीं, अच्छा ये फोर्स कितना है, 6 केजी है तो हम कहेंगे 6g, और ये कितना है मालूम नहीं, कॉल इट आर। हमें ए टू बी मोशन को ध्यान से देखना है और बताना है कि हमारा ये जो ए टू बी मोशन हम देख रहे हैं, ए टू बी मोशन में वर्क डन बाय व्हिच फोर्स इज जीरो। क्या वर्क डन बाय 100 न्यूटन जीरो होगा? नहीं। एमजी जीरो होगा? नहीं। आर, हाँ आर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर वर्क डन इज जीरो, वर्क डन बाय आर इज जीरो। अच्छा वर्क डन बाय 100 न्यूटन है कोई पहल मान जो मुझे फटाफट बताएगा ए टू बी मोशन में 100 न्यूटन के चलते कितना वर्क हुआ? हाँ 400 एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स। वाटर बाय 100 इंटू 4 इज 400 जूल्स। वाटर बाय कौन 6g कितना होगा, 6g के डायरेक्शन में कितना गया, 6g तो नीचे की तरफ है, ये नीचे कहां गया, तो ऊपर गया, ऊपर कितना गया, गया 3 मीटर ऊपर की तरफ, 3 मीटर गया। उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें FD वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें d है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ 6g कितना गया -3, ऊपर गया 3 तो नीचे गया -3, तो हम कहेंगे इट इज 60 इनटू -3 -180 जूल्स। तीन फोर्स आ रहे थे, सबका वर्क देख लिए, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, ऑन बॉडी सबको जोड़ो 400, ये माइनस था ठीक है, मैंने लिखने में यहां पर माइनस साइन छोड़ दिया था। क्या समझ में आ रहा है, 60 इनटू -3 तो -180 होगा, 400 -180 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 220 जूल्स। एंड यू नो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन बॉडी, है ना। टोटल वर्क डन हो गया 220 और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ए में तो जीरो था, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, इट इज 220। समझ में आया क्या, है ना खूंखार क्वेश्चन, छोटा सा कंसेप्ट, सारा वर्क निकालो और जोड़ दो, क्या बात, समझ में आया क्या? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे? हाँ चलिए देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं, आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। फंडामेंटल को समझो यार, वैसे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए इतना अंदर जाना नहीं पड़ता है, रट्टा मार के लिखो हो जाता है, उसमें भी बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है,
लेकिन किसी काम के नहीं है। बाद में मोदी को गाली करते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, चाइना का पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, अभी हमारा भी बीट कर गया, उसको कंट्रोल कर लिया हो। लेकिन सोचो तो कितना चाइना प्रोडक्ट इधर आता है, वो पीठ खुजाने वाला डंडा से शुरू करके डॉट पेन तक सब कुछ भेजता है, वहां पर कैसे रोजगार इतना मिल जा रहा है। कुछ काबिलियत है लोगों का करने की, कुछ फंडा है कर लेते हैं। यहाँ पर तो खा पी के लुंगी पहन के सो जाओ, वहां नहीं पेट भर के खाना हो गया, मारो गोली, कल के बारे में देखेंगे, कल देखेंगे। पीपल आर नॉट एम्बिशियस, अच्छी बात है एम्बिशियस नहीं होना, क्योंकि वो दुख देता है, लेकिन ग्रोथ भी तो नहीं होता है। एक आदमी हट्टा कट्टा सा पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है, कोई साधु बाबा इधर से जा रहे थे, वे कहते इतना हट्टा कट्टा सा तू है, पेड़ के नीचे क्यों सोया है, क्यों सोने में क्या दिक्कत है। बोले जाओ कुछ कमाओ, कैसे कमाएंगे, कुछ लेके जाओ, कोई काम करो किसी के घर में, कुछ दो पैसा मिलेगा तो क्या होगा। अरे तेरे को तो थोड़ा सा खर्चा होगा, थोड़ा बच जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बचाओगे बहुत पैसा होगा, फिर अपना घर करोगे, अपना परिवार करोगे, फिर क्या होगा, फिर क्या मजे में रहोगे, अभी भी तो मजे में, इतना सब करके क्यों मजे में रहेंगे, समझे ना, पेड़ के नीचे सोया मजे में। और ऐसे ही मजे में है तो फिर इतना मेहनत करके मजे में रहने की क्या जरूरत, समझ रहे हो ना, ये है हमारी साइकोलॉजी। क्लास 11 12 9 10 में बच्चे मजे में है, भाई मेहनत करो आगे मजे में रहोगे, तो अभी तो मजे में है, मेहनत करके क्यों मजे में रहेंगे, है कि नहीं, ये होता है। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आपको दो तीन तो छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर कोई एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई एक फोर्स है, से 30 न्यूटन का, और यहां पर ये 50 न्यूटन का फोर्स है, यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहां पे इसका मास है 4 kg। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड टू राइट, कितना दूर डिस्प्लेस्ड टू राइट बाय 5 मीटर। डाटा क्या दिया है, डाटा दिया है ऐसे, ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पर वर्टिकल के साथ, क्या एंगल कर रहा है दिया हुआ है, कितना है 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन समझ में आया, बोला कि ब्लॉक जब राइट को डिस्प्लेस हो गया बाय 5 मीटर, बताओ उसका स्पीड क्या होगा, थोड़ा याद करो, और कैसे कैसे करके हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, तो स्पीड नहीं पता कर लेंगे क्या, हाफ एम बी स्क्वायर है, एम दिया हुआ है भी मिल जाएगा, तो हमें पता करना है कि 5 मीटर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते मुझे मालूम नहीं, हमें मालूम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी, और इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां से चलना शुरू किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है, तो आपको होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है, सो इट सेम एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अगेन इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम,
बगल में लिखना उस, है ना भाई, वार के नजीक थ्योरम। अच्छा वार्डन बाई ऑल फोर्सेस, क्या कोई मुझे बता सकता है 4kg के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है? चार फोर्स आ रहा है। तो ये है, एक वेट है और एक रिएक्शन फोर्स है। व्हाट इज द वार्डन बाय द वेट? जीरो। वार्डन बाय द रिएक्शन फोर्स? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। बाकी रह गए ये दोनों। सो वार्डन बाय 50 न्यूटन प्लस वार्डन बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वार्डन बाय 50 न्यूटन कितना होगा भैया? ये तो गया इधर, इसके डायरेक्शन में कितना दूर गया है? 5 मीटर। प्लस वार्डन बाय 10 न्यूटन कितना होगा? 10 इनटू 5 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये कितना है? 90 प्लस 30 120। कॉस 120 होता है माइनस 1/2, याद रखना ये होता है माइनस 1/2। तो ये वैल्यू होता है माइनस 1/2। हाँ, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज 250 माइनस 1/2 हो गया, तो ये हो गया माइनस 25 इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 225 जूल्स। क्या बात समझ में आया? पूछा है स्पीड, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड नहीं मिल जाएगा। सो हाफ 4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो भी कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा, निकालोगे 250 बाई 4 इज, इसका आधा करो 112.5 का रूट आवर, व्हिच इज रफली 10.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्योंकि 11 में 121 होता है, 10 में 100 होता है, दोनों का बीच में, तो 10.8 10.7 कुछ भी लिख दो आसपास, रट्टा कौन मारता है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं? हाँ ये बात है। क्या सबको समझ में आया? हाँ? ये कोई एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट में क्या है, ऐसा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक को इसे बांध दिया गया है। समझ में आया? ठीक है, कितना टेढ़ा है क्या है कोई जानकारी नहीं दिया। मान लो कि ये 4kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब ये लिफ्ट क्या हुआ, दिमाग लगाना अपना, समझ लिए तो यू आर ग्रेट, एंड मैं अपना पीठ थपथपाऊंगा कि इसे समझा दिया कि बच्चे कर लिए, मजा मुझे भी आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं आप समझते हो कि नहीं समझते हो। ये है ब्लॉक, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर गया कुछ स्पीड भी में, इन फिगर शोन, द लिफ्ट मूव्स अप विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। समझ में? लिफ्ट चल रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड में। व्हेन इट मूव्स अप बाय 10 मीटर द वार्डन बाय टेंशन इन थ्रेड
connecting the block or tension in thread, tension force ऐसे लिखते हैं, worked by tension force on block. Is 260 joules. समझ में आ रहा है? Fine. Work done by contact force or reaction force of incline. ये जो इंक्लाइन पेन ये कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा होगा उससे कितना वर्क होगा. क्या खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है थोड़ा सा अगर सोचोगे तो. ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स से कितना वर्क होगा. कॉन्टैक्ट फोर्स यू नो देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक दिस यू कॉल इट आर. द थ्रेड मस्ट बी पुलिंग इट थ्रू दैट इज टेंशन. जब ये लिफ्ट ऊपर गया कितना गया 10 मीटर गया. लिफ्ट ऊपर गया है 10 मीटर. लिफ्ट ऊपर गया है 10 मीटर तो देखो फोर्स ये टेंशन के चलते कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा. टी एस कॉस थीटा, जबकि थीटा दिया नहीं है. आर के चलते भी कुछ होगा, आर एस कॉस थीटा, दोनों के लिए थीटा अलग अलग रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा. टी के चलते वर्क हुआ 260 जूल, तो आर के चलते कितना होगा. चलिए सोचते, ठीक है, सॉल्यूशन है टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या बात समझ में आया, सारा फोर्स जो वर्क करे सारे का वर्क को जोड़ दो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. लेकिन यहां पर तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड में, तो ब्लॉक का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है क्या, वो भी तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, जीरो. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे सारे के चलते जो वर्क होगा सारा वर्क को जोड़ोगे तो जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, तो इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी इज कॉन्स्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है तो आप कहोगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. दैट इज वर्क डन बाय कितने फोर्स आ रहा है, एक है रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय टी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी और 4g. 4kg था ना, हाँ 4kg, 4kg कैसे था, ऐसे था. और क्या फोर्स है इसके अलावा, और कुछ है ही नहीं, तीनी तो फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू जीरो. वार्डन बाय आर कितना होगा, अरे वही तो निकालना है, दिया नहीं है, चलो ठीक है, ये वार्डन बाय आर, चलो इसको कहते हैं WR. वार्डन बाय टी कितना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 260 joules. Work done by T is 260 joules. Work done by gravity कितना होगा, 4g into displacement in the direction of gravity. कितना ऊपर गया है ये, 10 मीटर गया है ऊपर, तो ग्रेविटी के डिरेक्शन में कितना गया, -10. तो आप कहोगे this into -10, whole thing is equal to zero. क्या वर्क डन बाय आर मिल गया आपको, कितना होगा ये 400, 260 गया तो हो गया 140, सो इट इज 140 जूल है कि नहीं, क्योंकि देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है कितना पावरफुल थ्योरम है ये. ठीक है. अब यही स्टेटमेंट को थोड़ा अगर हम दूसरे तरीके से समझेंगे, यही स्टेटमेंट को अगर हम दूसरे तरीके से समझेंगे तो कैसे समझेंगे. वर्क डन
बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, वर्क डन अगेंस्ट ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में? अगर कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी यहां पे था के ई जीरो, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ और ढकेलते हुए यहां तक ले आया, तो यहां पर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, के ई जीरो तो पहले से था और वर्क हो गया एफ एस, तो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज, कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर डिस्प्लेसमेंट एस। समझ में आया क्या? अगर ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी वही था इधर को के ई जीरो, अब कोई फोर्स इसको रोकने की कोशिश किया, रोक नहीं पाया, जब वो यहां पे पहुंचेगा उसके पास अब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितना होगा, पहले तो के ई जीरो था अब उतना ही रहेगा कि कम रहेगा, क्योंकि रोक रहा था, ये घट जाएगा, कितना घटेगा, जितना वर्क हुआ अगेंस्ट द फोर्स एफ एस, तब हो जाएगा के जीरो माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर जो दो स्टेटमेंट लिखा है समझ में आ रहा है? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक ठीक ठीक। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पार हो रहा है इसलिए लिखना बंद कर दिए बच्चे। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ तो दो तीन क्वेश्चन तो दे सकता हूँ करने के लिए, नहीं? पहला क्वेश्चन, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। Which one will stop in lesser distance? कौन कम डिस्टेंस में रुकेगा? उसका दूसरा पार्लर क्वेश्चन है, कौन कम समय में रुकेगा? कर लेते हैं, जब करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, चलो इसको कर लेते हैं। Which one will stop in lesser distance in lesser time? पहले कौन रुकेगा, पास में कौन रुकेगा, अलग अलग चीज है कि नहीं? कौन जल्दी रुकेगा, कौन पास में रुकेगा, है कि नहीं? दो अलग अलग चीज है, मतलब कोई कम डिस्टेंस में रुकेगा, कोई कम टाइम में रुकेगा। ये दूसरा क्वेश्चन, ए ब्लॉक thrown on a rough floor with kinetic energy 100 joules stops after a distance of 18 meter. Find what was kinetic energy
एट द मिड पॉइंट ऑफ पाथ। समझ में? यहां से कोई ब्लॉक को फेंके कुछ काइनेटिक एनर्जी में 18 मीटर जाके रुक गया, तो बीच से जब गुजर रहा था तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? शुरू में कितने में फेंके? 100 जूल्स में। रुका यहां पर, तो बीच पॉइंट में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? पहला वाला में फेंके थे कितने दूर में रुका था? 18 मीटर में। आया समझ में? तीसरा, ए ब्लॉक, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा दिखाएंगे, देख लो, थोड़ा देख लिए। ए ब्लॉक थ्रोन ऑन ए रफ फ्लोर विथ स्पीड V0 stops after a distance S0. If it is thrown with NV0, find after what distance will stop. V0 में फेंके, S0 जाके रुका। 2V0 में फेंकेंगे कितना दूर में रुकेगा? NV0 में फेंकेंगे कितने दूर में रुकेगा? समझ में आया? नेक्स्ट, ये कोई एक 3 kg का बॉल है, इसको किसी एक 10 मीटर हाइट से हमने गिराया। कहा? यहां पर कोई मड था, तो जैसे गिरा ये यहां से झपक करके गिरा यहां से मड पे और अंदर घुस गया। यहां पर आके रुका, कितना नीचे आके रुका? 2 मीटर। दी बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए stops at B. क्यों रुक गया? क्योंकि जैसे ये अंदर घुसा होगा ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा रोकने के लिए। कैसा फोर्स होगा वो? ऊपर की तरफ नहीं, ये फोर्स को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस फोर्स। वो रेजिस्ट कर रहा है बॉल को, नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर सपोर्ट करता था और भी खींच के ले लेता। समझ में आ रहा ना? फाइंड द ग्राउंड रेजिस्टेंस फोर्स, वो फोर्स कितना है बताओ? समझ में आया? यहां से गिरा, पचाक करके अंदर घुस गया, तो ये रोकने की कोशिश कर रहा था, ये फोर्स कितना है? समझ में आया? तो आप इसके सॉल्यूशंस को करो, ट्राई करो, हम लोग देखेंगे उसको अगली क्लास। तो मैं ग्रुप में इसको दे देता हूँ नोटिस कि दोज हु आर रियल इंटरेस्टेड टेल मी एंड अकॉर्डिंगली विल फिक्स अप द टाइमिंग्स। इन द ओवर सिचुएशन वी कैन टेक एक्स्ट्रा क्लासेस 9 to 10:30, घर में बैठे बैठे कर सकते हो ना बिना आए। हाँ, एक एक तो क्लास इस बीच में, तो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी जल्दी रिलीज कर दूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।